नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा, देश की पूरी जनता को लाइन में लगाया, आपके जेब में से 500 रुपए 1,000 रुपए का नोट छीना, नीरव मोदी जी के जेब में डाला, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते, पार्लियामेंट में खड़े होने से डरते हैं, 15 मिनट का हमें भाषण मिल जाए पार्लियामेंट हाउस में, प्रधानमंत्री सामने खड़े नहीं हो पाए, चाहे वो राफेल का मामला हो, चाहे वो नीरव मोदी का मामला हो, खड़े नहीं हो पाए, मगर पूरा देश का चक्कर काट रहे हैं, मगर लोकसभा में 15 मिनट हमें भाषण देने का टाइम नहीं, 15 मिनट टाइम दे दे, खड़े नहीं हो पाएंगे लोकसभा में। राफेल में सीधी चोरी की है, 45,000 करोड़ रुपए एक उद्योगपति मित्र को दिए, छीना बेंगलोर में रोजगार, छीना युवाओं से, एक शब्द नहीं कहते हैं, नीरव मोदी को नाम से पहचानते हैं, नीरव कहते हैं उसको, मेहुल चौकसी को मेहुल भाई कहते हैं, मगर इसके बारे में एक शब्द नहीं कह रहे हैं, ये सच्चाई है। राहुल जी चौकीदार फेल हो गया, अच्छे दिन आ गए, किसके अच्छे दिन आए, मोदी जी ने कहा था जनता के अच्छे दिन आएंगे, सच्चाई क्या निकली, 15 लोगों के, नीरव मोदी के, मेहुल चौकसी के अच्छे दिन आ गए, और जनता, किसान मजदूर, गरीब, इनके बुरे दिन।